गुड मॉर्निंग। तो गए थे विजन की 10 फरवरी की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। कल रात मैं अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब थी, तो मैंने सोचा आज सुबह को अपलोड कर दूं। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स प्ली टू री एग्जामिन सेडिशन लॉ। देखो गाइस, आपको पता है हमारे इंडिया में क्या है सेडिशन लॉ है। सेडिशन मतलब कि देशद्रोही से लेके रिलेटेड जो लॉज है उसको री एग्जामिन करने के लिए जो रिक्वेस्ट डाली थी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस प्ली को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ये जो हमारी न्यूज है पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कवर होगी, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो पिटीशन आया था ताकि हम सेडिशन लॉ को री एग्जामिन कर सके, उसमें कुछ क्राइटेरिया की कमी थी जो पास्ट में थी, ठीक है। दैट देयर शुड बी अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू चैलेंज अ लॉ, मतलब कि क्या होना चाहिए ताकि कोई लॉ को चैलेंज कर सके। देखो गाइस, आप सबको पता होना चाहिए कि हमारे इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 124A में सेडिशन को डिफाइन किया गया। देखो गाइस, आपको पता होना चाहिए सेडिशन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, लेकिन इट इज डिफाइंड अंडर द सेक्शन 124A ऑफ द इंडियन पिनल कोड 1860, जिसमें ये बताया सेडिशन का मतलब क्या होता है। अगर कोई हेट्रेड फैला रहा है या फिर ही कंटेम्प्ट और एक्साइट्स और अटेम्प्ट टू एक्साइट दिस इंस्ट्रक्शन टुवर्ड गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट के टुवर्ड या तो आप हेटेड फैला रही हो, ठीक है, या फिर अपना मतलब कि डिसअफेक्शन शो कर रहे हो, या तो बोल के या आप आइदर स्पोकन और रिटन और बाय साइंस और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन और अदर, ठीक है, ये सब एक्टिविटीज आपके किसके अंडर आएंगे, सेडिशन देश के, ठीक है। अगर आप हमारी गवर्नमेंट के लिए कुछ आप चाहे बाय वर्ड्स कुछ गलत बोल रहे हो, ठीक है, रिटर्न में कुछ गलत बोल रहे हो, नो डाउट आपके पास डेमोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच भी कुछ रिस्ट्रिक्शन लेके आती है कि आप अपने गवर्नमेंट को या फिर अपने देश को क्या कर सको, मतलब कि आई मीन समझ गए ना आप जो है, ठीक है। तो अगर फिर कोई ऐसा करता है तो अ पर्सन इज लाइबल टू पनिश, तो ऑफकोर्स उस बंदे को पनिशमेंट मिलेगी जिसमें उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, तो लाइफ टर्म की या फिर 3 साल तक की हो सकती है इम्प्रिजनमेंट विद फाइन। अगर इसके अलावा अगर पर्सन को चार्ज किया जा रहा है उसके ऊपर, अगर हम इल्जाम लगा जा रहा है कि वो अप्लाई भी नहीं कर सकता गवर्नमेंट जॉब के, ठीक है, अगर किसी ने ऐसा कर दिया, अगर आप लोगों ने भी किसी ने कर दिया, ठीक है, तो आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते और आपको बिना पासपोर्ट के रहना पड़ेगा जिंदगी भर, ठीक है। सेडिशन केस किसके अंडर आता है, इट ऑल्सो कम्स अंडर द ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट कैटेगरी, जिसके अंदर आपके अगेंस्ट केस फाइल हो सकता है अंडर अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, डैमेज टू प्रॉपर्टी एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। देखो गाइस, आपको पता चल गया कि सेडिशन को, सेडिशन जो एक वर्ड है या जो सेडिशन लॉ है वो कौन कौन कवर करता है। एक तो आईपीसी 1860 के अंडर सेक्शन 124A भी कवर करता है, इसके अलावा कुछ और जो केसेस हैं जिसको सेडिशन के अंदर इंक्लूड किया जाता है, जिसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, सेकेंड अगर आप डैमेज टू प्रॉपर्टी एक्ट, या फिर जो थर्ड है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, ठीक है। अभी क्या है, जो रोमेश थापर केदारनाथ कन्हैया कुमार के केस में जो वर्डिक्स हुए थे उन्होंने क्या किया था, कुछ सेडिशियस एक्ट को रीडिफाइन किया था। उन्होंने बोला था ये एक्ट सेडिशियस कब होगा, इफ अगर कोई पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्प्ट करता है, लाइक अगर आपको कोई गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया और आप उसमें डिस्टर्प्शन कर रहे हो, ठीक है, या आप वायलेंटली क्या कर रहे हो, हमारी जो यहाँ की जो लॉफुल गवर्नमेंट है, जो फेवरेबल गवर्नमेंट है, उसको आप वहां से ओवरथ्रो करने का कुछ ऐसा काम कर रहे हो, यू आर अटेम्प्टिंग टू वायलेंटली ओवरथ्रो अ लॉफुल गवर्नमेंट, या फिर हमारी स्टेट की सिक्योरिटी या पब्लिक की सिक्योरिटी को अगर आप थ्रेटन कर रहे हो, देन ये सब एक्टिविटीज किसके अंदर आते हैं, सेडिशियस एक्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, ओनली अ हैंडफुल ऑफ सेडिशन केसेस हैव रिजल्टेड इन द कन्विक्शन। देखो, एक तो क्या होता है, एक आपके इल्जाम लगना और एक आपका इल्जाम प्रूफ करना में फर्क होता है, ठीक है। तो इसमें ये बताया था हर साल कितने केसेस रिपोर्ट होते हैं ड्यूरिंग, ठीक है, 2016 में कितने केसेस रिपोर्ट हुए, देखो 35 केस हुए, टोटल केसेस इन्वेस्टिगेशन के लिए कितने गए थे 86 के लिए, ठीक है, ट्रायल में कितने हुए ओनली 16 हुए, और कन्विक्टेड कितना हुआ 1, मतलब कि जो फाइनली जिसको माना गया कि हाँ ये बंदा गिल्टी है, ठीक है। उसी तरह 2017 में 51 केसेस रिपोर्ट हुए थे, इन्वेस्टिगेशन के लिए 156 केसेस गए, ट्रायल में 27 गए और ओनली कन्विक्ट किया गया 1। उसी तरह 2018 में आप देख सकते हो 70 केसेस हुए, 190 को इन्वेस्टिगेट किया गया और 38 को ट्रायल पे भेजा गया, जबकि 2 ही बंदे थे जिनको कन्विक्ट किया गया, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो बहुत ही मतलब कि माइन्यूट केस है जो सिर्फ एंड जिसको कन्विक्ट मतलब कि ठहरा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है,
स्टेट ऑफ द आर्ट वेदर एंड क्लाइमेट प्रेडिक्शन मॉडल्स अंडर द नेशनल मॉनसून मिशन नाउ ऑपरेशन। देखो भाई ये जो हमारी एनवायरमेंट सेक्शन के अंडर कवर होगी, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं न्यूज में क्या है, ठीक है। जो नेशनल मॉनसून मिशन है ये किसके अंडर मिशन है आपको ये पता होना चाहिए। इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज जो 2012 में लॉन्च किया गया था ताकि हम क्या कर सके, जो मॉनसून की जो रेनफॉल है उसको हम डायनेमिकली प्रेडिक्ट कर सके। डायनेमिकली प्रेडिक्ट मतलब क्या है, आपको पता है मॉनसून क्या है, किसी वीक में कैसा पड़ता है, किसी दिन कैसा है, ठीक है। तो हम उसको डायनेमिकली प्रेडिक्ट कर सके, क्या आर्ट है क्या कला है उसको हम प्रेडिक्ट कर सके, ठीक है। प्रेडिक्शन मॉडल के अंदर क्या क्या इंक्लूड है, सबसे पहले हम क्या कर सके, शॉर्ट टू मीडियम रेंज का प्रेडिक्ट कर सके, मतलब कि 1 से 10 दिन तक मॉनसून कैसा रहेगा, कैसी बरसात होगी उसको हम प्रेडिक्ट कर सके। इसके अलावा जो 10 दिन से अगले 30 दिन तक कैसी रेनफॉल होगी उसे भी हम प्रेडिक्ट कर सके, और इसके अलावा जो सीजनल रेनफॉल है उनको भी हम प्रेडिक्ट कर सके। इसके अलावा जो नेशनल मॉनसून मिशन है उसके इसके अलावा क्या टारगेट्स है, सबसे पहले वो क्या करेगा, अपने हमारे जो इंडिया जैसे IMD हो गया और फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के अंदर एक पार्टनरशिप को डेवलप करेगा ताकि हम कुछ सिस्टम को डेवलप कर सके, ताकि जो हम प्रेडिक्शन करते हैं उसको और ज्यादा अच्छे से कर सके, इम्प्रूव कर सके। इसके अलावा हम कुछ सिस्टम को डेवलप करेंगे फॉर क्लाइमेट एप्लीकेशन जिसका सोशल इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे एग्रीकल्चर पे फ्लड फोरकास्ट, इस तरह से कुछ हम एप्स वगैरह को डेवलप करेंगे, ठीक है। फिर नेशनल मोशन मिशन को ऑगमेंट किया, मतलब कि उसको कंबाइन किया किसके साथ, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटीज के साथ, ताकि हम क्या कर सके अपने वेदर को जो ताकि हम अपने वेदर को जो प्रेडिक्ट करने में शिफ्ट लेके आ सके, एंड क्लाइमेट मॉडलिंग फॉर ऑपरेशनल वेदर फोरकास्ट, ठीक है। मेरी बात आपको समझ में आ गई। देखो हमने क्या किया, जो हमारा नेशनल मोशन मिशन है उसको हमने और ज्यादा फैसिलिटीज हैं जो मॉडर्न फैसिलिटीज है उसके साथ कंबाइन करके हमारा मेन एम क्या है, ताकि हम अपनी जो वेदर फोरकास्ट है उनको और ज्यादा इंप्रूव कर सके, ठीक है। इसके अलावा जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी जो कि पुणे में है वो रिस्पॉन्सिबल है ताकि हम इस मोशन को कोऑर्डिनेट इस मिशन को हम क्या कर सके, कोऑर्डिनेट कर सके और एग्जीक्यूट कर सके, मतलब कि इंप्लीमेंट कर सके। इसके अलावा नेशनल मॉनसून मिशन के अभी तक क्या अचीवमेंट्स है पिछले 3 सालों में, ठीक है। जो मॉनसून मिशन है वो डायनेमिकली एक मॉडल है जिसको जो प्रिपेयर करता है क्या ऑपरेशनल सीजनल फोरकास्ट ऑफ मॉनसून रेनफॉल, ठीक है, मॉनसून रेनफॉल का क्या सीजनल फोरकास्ट होगा उसको प्रिपेयर करता है। इसके अलावा इसने कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट दिखाई है साइक्लोन को ट्रैक करने में और उसकी इंटेंसिटी को प्रेडिक्ट करने में। जैसे आपको पता है जब अभी नॉर्थ वेस्ट में महाराष्ट्र में जब साइक्लोन निसाकर आया था तो उसको कितने अच्छे से हैंडल किया गया था, ठीक है, और उससे होने वाले डैमेजेस को किस तरह से प्रिवेंट किया गया था, ठीक है। इसके अलावा क्या किया गया, ग्लोबल एंड सिमिलर फोकस सिस्टम को कमीशन किया गया, डेवलप किया गया किसके लिए, फॉर शॉर्ट एंड मीडियम रेंज प्रेडिक्शन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंडा रिलीज द इंडियन एनर्जी आउटलुक 2021, ठीक है, एक सेकंड यार, हाँ, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रिलीज द इंडियन एनर्जी आउटलुक 2021। अगेन गाइस ये जो न्यूज है हमारी एनवायरमेंट सेक्शन में कवर होगी, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसने रिलीज किया, दैट इज द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने रिलीज किया क्या, इंडियन एनर्जी आउटलुक। आई डोंट नो ये पेन क्यों नहीं वर्क कर रहा है, ठीक है। अब इस रिपोर्ट में क्या जरा हम ये देख लेते हैं, आउटलुक एग्जामिन द अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस फेस बाय इंडिया, ठीक है। देखो जब COVID-19 क्राइसिस आया उसको रिकवर करने में क्या हम मतलब कि क्या चैलेंजेस इंडिया फेस कर रहे हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज इंडिया फेस कर रहा है, उसको एग्जामिन किया किसने, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। एक मिनट का, हाँ, तो अभी हम क्या बात कर रहे थे कि इंडियन एनर्जी आउटलुक किसके द्वारा रिलीज किया गया है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा रिलीज किया गया, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या एग्जामिन किया है, इसमें ये एग्जामिन किया है COVID-19 क्राइसिस की वजह से अब इंडिया में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं कि इंडिया इसको रिकवर क्यों नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये सब एग्जामिन किया किसने, एग्जामिन किया इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने, ठीक है। तो गाइस ये रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। हाईलाइट क्या है, हाईलाइट ये है कि इंडिया इज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमिंग कंट्री, आप सबको पता होगा सबसे ज्यादा, क्योंकि आपको पता है इंडिया में पॉपुलेशन भी सेकंड लार्जेस्ट है, तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमिंग कंट्री है। इसके अलावा जो एनर्जी यूज है वो डबल्ड हुआ है कब से, 2000 से, जिसमें जो 80% डिमांड है वो किससे हमारी पूरी हो रही है एनर्जी की, या तो कोयल से हो रही है या ओल से हो रही है, सॉलिड बायोमास से हो रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कोल क्या है, फॉसिल फ्यूल से आ रहा है, नॉन रिन्यूएबल, तो ऑफकोर्स इसका हमारा क्लाइमेट पे भी पूरा डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। अगर हम पर कैपिटा बेसिस पे देखा जाए, पर कैपिटा बेसिस का मतलब क्या है, एक बंदा कितना एनर्जी को यूज करता है, तो इंडिया का जो एनर्जी यूज जो एमिशन है वो वर्ल्ड एवरेज से तो कम है, मतलब कि वैसे चाहे हम इंडिया की वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमिंग है, लेकिन अगर हम पर कैपिटा या पर बंदे के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंडिया जो है एनर्जी बहुत कम कंज्यूम करता है। इसके अलावा रैपिड क्या, सोलर पावर एक्सपेंड हो रहा है क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है, पेरिस एग्रीमेंट है, क्योटो प्रोटोकॉल है, तो रैपिड एक्सपेंशन ऑफ सोलर पावर या फेवरेबल पॉलिसीज की वजह से
इंडिया ऑफर करे क्लीन अफोर्डेबल और रिलायबल पावर, ताकि हम क्या कर सके, जो हमारे जो हाउस होल्ड्स हैं हाउसेस में भी हम यूज कर सके सोलर एनर्जी को, और बिजनेसेस में भी जो कॉर्पोरेट्स हैं वहां पे भी हम सोलर एनर्जी को यूज कर सके। अभी क्या, क्योंकि हमारी इकोनॉमी एक्सपेंड कर रही है, पॉपुलेशन एक्सपेंड कर रही है, अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन की एक्सपेंड कर रही है, तो इंडिया ऑफ कोर्स इंडिया की जो एनर्जी डिमांड है वो भी इंक्रीज होगी, और देखा जा रहा है कि इंडिया लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर बन जाएगा 2040 तक। ठीक है, अभी थर्ड लार्जेस्ट है, 2040 तक लार्जेस्ट बन सकता है। सोलर पावर कहीं ना कहीं हमारा कोल का जो शेयर है पावर जनरेशन में उसको कहीं ना कहीं मीट कर सकती है अगले 20 सालों में। ठीक है, प्रेजेंटली सोलर सन के थ्रू जो एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है वो अभी बहुत ही कम है, नियर अबाउट 4% से भी कम है ऑफ इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ठीक है, मतलब कि हमारी इंडिया में जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो उसमें सिर्फ सोलर एनर्जी का जो शेयर है ओनली 4% है, उससे भी कम है। 2030 तक हमारे ये कि जो नॉन फॉसिल शेयर है, मतलब कि जो कोयले के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है उसका जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी है उसको हमने 60% करना है। मतलब कि अभी आपको पता है हमारा लार्ज अमाउंट में होती है, तो अभी हम चाहते हैं कि जो फॉसिल्स के थ्रू हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसका जो शेयर हम 60% तक कर दें। कब? 2030 तक, अगेंस्ट टारगेट ऑफ 40% सेट आउट इन नेशनल डिटरमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, जबकि पेरिस एग्रीमेंट के अंडर जो शेयर है इसका, जो हमारा टारगेट है वो 40% है, लेकिन हम चाह रहे हैं पहले हम 60% ठीक कर लें। ठीक है, चैलेंजेस क्या आ रहे हैं? चैलेंजेस यही है कि एक तो फोसिल फ्यूल्स के जो इम्पोर्ट बिल्स हैं वो ट्रिपल हो गया, मतलब कि आपको पता है हम कोल जो है बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा जो इम्पोर्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वो डबल ट्रिपल हो गया, और 50% भी राइज हो रहा है क्योंकि कोयले के थ्रू ऑफकोर्स एमिशन आएंगे, तो 50% हमारे जो कार्बन एमिशन है वो बढ़े हैं ओवर द नेक्स्ट 2 डिकेड। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज बढ़ते हैं हम अपनी, एक सेकेंड। इंडिया अफगानिस्तान साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ जलंधर डैम। ठीक है, जलंधर डैम को कंस्ट्रक्ट करने की इंडिया और अफगानिस्तान में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई है, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर ये कवर होगा। ठीक है, अब ये जो डैम होगा जलंधर शातू डैम, ठीक है, इसका नाम याद रख लो। ठीक है, पूछ सकते हैं कहाँ पे इंडिया किसके साथ कर रहा है, अफगानिस्तान में। ठीक है, ये सेकंड मेजर डैम होगा जो इंडिया के द्वारा बिल्ड किया जा रहा है अफगानिस्तान में, आफ्टर द फ्रेंडशिप डैम सलमा डैम जो कि हमने 2016 में कंस्ट्रक्ट किया था। ये किसका पार्ट है? इट इज अ पार्ट ऑफ न्यू डेवलपमेंट पार्टनरशिप जो किस किसके बीच में, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। ये जो डैम बिल्ड हो रहा है ये क्या करेगा? एक तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करेगा, जो काबुल की वहाँ पॉपुलेशन है उनको इरीगेशन वाटर की फैसिलिटी देगा जो वहाँ के नियर बाय एरियाज है। इसके अलावा इस डैम को किस रिवर पे बिल्ड हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, मैदान रिवर पे इसको बिल्ड किया जा रहा है जो कि काबुल रिवर की ट्रिब्यूटरी है जो पाकिस्तान में भी फ्लो होती है फ्रॉम अफगानिस्तान। 2001 से कहीं ना कहीं जो यूएस के द्वारा जो फोर्सेस जो तालिबान से आउटसाइड हुई है फ्रॉम पावर, इंडिया ने कहीं ना कहीं क्या कुछ $3 बिलियन की एड दी है कहां पे, अफगानिस्तान को रिकंस्ट्रक्ट करने के। ठीक है, क्या क्या इंडिया के द्वारा क्या प्रोजेक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं अफगानिस्तान में, हम ये देख लेते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड किया, इंडिया ने नियर अबाउट $1.1 मिलियन व्हीट सप्लाई करी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर देखा जाए पार्लियामेंट बिल्डिंग करी है कहां पे, अफगानिस्तान की जारन दिलाराम रोड वहां पे बिल्ड करी है ताकि हम गुड्स और सर्विसेज को इजीली मूव कर सके कहां पे, ईरान बॉर्डर पे। कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराई है कहां पे, चाबहार पोर्ट आपको पता है ईरान में। ठीक है, डायरेक्ट एयर फ्रीट कॉरिडोर बिटवीन इंडो और अफगानिस्तान, ये सब इंडिया के द्वारा बिल्ड किया गया है, ये इंडिया के द्वारा ये सब अफगानिस्तान को ये सब करवाया गया। ठीक है, इकोनॉमिकली कैसे डेवलपमेंट किया, हमने नियर अबाउट 116 हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अफगानिस्तान में शुरू किए। कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे, हम कुछ क्या करते हैं जो अफगान्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं किसके अंडर, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस ट्रेनिंग के अंडर हम कुछ स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। अब इंडिया के लिए अफगानिस्तान कैसे इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके थ्रू इंडिया कहाँ ऑयल और मिनरल रिच जो सेंट्रल एशिया की कंट्रीज है वहाँ पे एंटर कर सकता है। दूसरा, अगर अफगानिस्तान स्टेबल रहता है तो इससे हमारी इंडिया की भी जो रीजनल सिक्योरिटी है वो भी क्या रहेगी, स्टेबल रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। अगेन जैसे एनवायरमेंट में कवर होगा, हमारे क्लाइमेट चेंज का हमारे इंडियन एग्रीकल्चर पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है, वैसे आपको पता ही होगा लेकिन हम दोबारा अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, इससे पहले क्या एक डिस्ट्रिक्ट लेवल वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करी गई थी किसके द्वारा, नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के अंडर एक वल्नरेबिलिटी असेसमेंट की गई। वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या है, एग्रीकल्चर कितना ज्यादा वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज से, तो इसको असेस किया गया था किसके द्वारा, नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट के अंडर, जो जो प्रोजेक्ट है किसका, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का, ठीक है। क्या फिगर्स हैं जो रिगार्ड की गई थी इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, मतलब कि किस तरह से एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। सबसे पहले देखा था क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे आपको पता लैंड डिग्रेड हो रहा है, मार्केट वॉलेटिलिटी होगी, ठीक है, इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएंगी, जैसे फर्टिलाइजर्स की जो सीड्स की कॉस्ट है वो बढ़ेंगी, ठीक है। इनपुट स्लोइंग रिस्पॉन्स टू एडिट इनपुट दैट हिंडर एग्रीकल्चर, ठीक है। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपकी एग्रीकल्चर ग्रोथ को क्या करता है, हिंडर करता है, लेकिन उसको क्या है, इसको एड्रेस करना थोड़ा स्लोली मतलब मुश्किल है, ठीक है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जो रेन फेड राइस यील्ड, मतलब कि वहां पे जो राइस उगते हैं, जो एरिया हमारा सिर्फ बारिश पे डिपेंड करता है, वो कहीं ना कहीं मार्जिनली रिड्यूस हुआ है, ठीक है। जो 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 एरियाज पे जहाँ पे हम राइस उगाते हैं जो सिर्फ रेन पे डिपेंड करता है, रेन फेड एरिया आपको पता है ना, वो एरिया जो सिर्फ रेन पे डिपेंड करते हैं, उन पे जो यील्ड है ना, वहां पे जो राइस की प्रोडक्शन है उसकी यील्ड में थोड़ा सा मार्जिन रिड्यूस हुआ है, लेस देन 2.5%, ठीक है। जो इरिगेटेड राइस यील्ड है वो 7% मतलब कि रिड्यूस हो सकते हैं 2050 तक। फर्दर जो वीट की यील्ड है वो रिड्यूस हो सकती है 6-25% का 21 तक, और जो मैज की यील्ड है वो भी घट सकती है 18-23% तक, ठीक है। इसके अलावा जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो सकता है 256 डिस्ट्रिक्ट में, कितना, 1-1.3 डिग्री सेल्सियस, कब तक, 2020-2049 तक, ठीक है। मतलब इस ड्यूरेशन के बीच में, इन 3 सालों के बीच में 256 डिस्ट्रिक्ट में जो टेम्परेचर है वो 1-1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है, और 156 डिग्री में कितना बढ़ सकता है, 1.3-1.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ सकता है। इसके अलावा जो क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी है, लाइफ स्टॉक और फिशेज की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इफेक्ट होगी, क्योंकि जिसकी वजह से फूड सिक्योरिटी, लाइवलीहुड और हमारे एग्रीकल्चर की सस्टेनेबिलिटी पूरा अल्टीमेटली कहेगी इम्पैक्ट होगी। अब क्या ऐसी क्या स्ट्रेटेजीज हैं जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं ताकि इनको हम मिटिगेट कर सकें। सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, प्राइवेट इंश्योरेंस मार्केट को यूटिलाइज करना चाहिए, प्राइवेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट को यूज करना चाहिए, हमारा जो क्रॉप कल्टिवेशन या फिर जो डिफरेंट हमारी एग्रीकल्चर टेक्निक्स हैं उन्हें चेंज करना चाहिए। सेकेंड क्या, पब्लिक सेक्टर को हम किस तरह यूज कर सकते हैं, हमें यूटिलाइज करना चाहिए अर्ली वार्निंग सिस्टम, हमें पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इरिगेशन सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, कुछ रिस्क यूटिलाइजेशन ऑफ सब्सिडीज को कम्युनिकेट करना चाहिए, और एडुकेट कंपनसेशन हमें प्रोवाइड करना चाहिए किसको, फार्मर्स को, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी जो स्टेट है वो कितने ज्यादा हाई रिस्क में, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो जम्मू कश्मीर काफी हाई रिस्क में, ठीक है, या फिर ये देखो राजस्थान सबसे ज्यादा हाई रिस्क में है, ठीक है। तो यहाँ से आप ये पढ़ लेना। अब हम पढ़ते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज पे, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कॉल्स फॉर एन एंड टू इलीगल फिशिंग, ठीक है। अभी का जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने क्या किया है, इन इट्स फर्स्ट एवर डिक्लेरेशन फॉर सस्टेनेबल फिशरीज एंड एग्रीकल्चर में एक क्या किया, एक स्ट्रॉन्गर एक्शन पास किया है, ताकि हम क्या कर सके, जो इलीगल अनरिपोर्टेड या अनरेगुलेटिंग फिशिंग है उसे हम कॉम्बैट कर सके। इलीगल अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड फिशिंग क्या होता है, ये ब्रॉड टर्म है जिसमें हम क्या करते हैं, वाइड वेराइटी ऑफ फिशिंग एक्टिविटी को मतलब क्या करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये हर एक ऑल टाइप्स एंड डायमेंशन ऑफ फिशरीज कवर की गई है। ये जो होती है इस तरह की जो फिशिंग होती है वो कहाँ पे होती है, हाई सीज में होती है या फिर उन एरियाज में जो नेशनल जुरिस्डिक्शन के अंडर है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने कंट्रीज को अर्ज किया है कि वो किसका पार्ट बने, वो एग्रीमेंट का पार्ट बने, FAO एग्रीमेंट का पार्ट बने, ऑन पोर स्टेट मेजर, जो कि एक इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट है, ताकि हम इलीगल अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग को कम्बैट कर सके। और इंडिया इसका मेंबर नहीं है, किसका, पोर्ट स्टेट मेजर का, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है होती, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफाई किया कि वो क्या करेगा, कोथिस को रिमूव करेगा अपनी फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट से, ठीक है। यूएसए की जो अपनी फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट है उसमें से हाउथी को रिमूव कर देगा। इससे क्या होगा, जो ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप असिस्टेंस है वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको वार्निंग प्रोवाइड कर सकते हैं, सॉरी क्रूशियल एड प्रोवाइड कर सकते हैं, कहाँ पे, हूथीस को, जो कि यमन में रह रहे हैं। हूथीस जो रिवर्स है वो यमन के नॉर्दर्न प्रोविंस सादा से इमर्ज होकर आए थे, जो सऊदी अरब को क्या करते हैं, बॉर्डर करते हैं। ये कंसीडर किया जाता है कि इन्होंने ईरान को बैक्ट किया था और इन्होंने फाइट किया था कॉम्प्लेक्स वर्क इसके द्वारा यमन गवर्नमेंट का, ठीक है। जो हुती है एक्चुअल में ये एक एथनिक ग्रुप है जो कि यमन में रहता है, ठीक है। और ये कहाँ मतलब कि सऊदी अरब के साथ बॉर्डर करती है इनकी कंट्री, जैसे हमारी पाकिस्तान के साथ करती है, ठीक है। इन्होंने ईरान यमन गवर्नमेंट के साथ लड़े थे, सऊदी अरब और जो अदर सुन्नी अरब स्टेट्स हैं उन्होंने एयर कैंपेन ऑलरेडी बिगिन कर चुकी है ताकि हुतीस को डिफीट कर सके। नेक्स्ट है स्टेट डेवलपमेंट लोन, आप सबको पता है जैसे गवर्नमेंट लोन लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट जी सिक्योरिटीज, उसी तरह स्टेट भी क्या करते हैं, कुछ स्टेट डेवलपमेंट लोन्स लेते हैं, ठीक है। स्टेट डेवलपमेंट लोन्स क्या होता है, पहले हम ये देख लेते हैं, एक सेकेंड देखो,
स्टेट डेवलपमेंट लोन्स क्या होते हैं, ये कुछ डेब्ट सिक्योरिटीज होती हैं जो स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है ताकि जो उनके पास डेफिसिट हो रहा है, जो उनके पास कमी है पैसों की, उनको वो फंड कर सके। आरबीआई करती है इन सिक्योरिटीज को इशू करती है उनके भी आप, ठीक है। स्टेट डेवलपमेंट लोन स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली इशू नहीं कर सकती, आरबीआई भी उनके भी हाफ पे क्या करती है, इन सिक्योरिटीज को इशू करती है थ्रू ऑप्शन, ठीक है। जो भी एसडीएल में पार्टिसिपेंट होते हैं वो कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्टेट डेवलपमेंट लोन्स को खरीदने में, बैंक्स कर सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज, प्रोविडेंट एंड पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड, ये सब क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। जो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स है उनको दे आर क्वालिफाई एज अप्रूव्ड स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, और एक तरह का रेपो भी होता है फॉर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। देखो आप सबको पता होगा एसएलआर क्या होता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होता है, ठीक है। जिनको नहीं पता है और जिनको पता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि मैं काफी बार डिस्कस कर चुकी हूँ, सो दैट जिनको नहीं पता वो वहां से पढ़ सके, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं पिछले 10 साल में क्या, जो देखो स्टेट डेवलपमेंट लोन की वजह से 10 ईयर जो बॉन्ड है वो डिफरेंट स्टेट के द्वारा इशू किए हैं, जो क्रॉस किए गए 7% मार्क, इंडिकेटिंग द स्ट्रगल फॉर द स्टेट्स अहेड टू कीप देयर इंटरेस्ट कॉस्ट इन द चेक, ठीक है। नेक्स्ट यूज है लोकपाल। लोकपाल में क्या, जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन है उन्होंने रूल किया कि सेंटर को जरूरी नहीं है कि अपनी सिलेक्शन कमिटी की मीटिंग की क्या माइन्यूट्स है, माइन्यूट्स मिनट्स क्या होता है, मतलब जो डिस्कशन हो गए उनको डिस्क्लोज करने की, कि कौन से वो चेयरपर्सन को चूज कर रहे हैं, लोकपाल में क्या मेंबर्स को चूज कर रहे हैं, उन सबकी जो डिस्कशन है उसको डिस्क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लोकपाल लोकायुक्त जो कि 2013 में आया था ये प्रोवाइड करता है, लोकपाल यूनियन में होता है और लोकायुक्त स्टेट्स में होता है, कि वो कुछ इंक्वायर कर सके। जैसे आपको पता है जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है वो क्या करता है, मेनली करप्शन के केसेस को क्या करता है, डील करता है। उसी तरह जो लोकपाल और लोकायुक्त होते हैं वो भी क्या करते हैं, करप्शन के अगेंस्ट जो केसेस होते हैं जो पब्लिक फंक्शनरीज पे, उनको क्या करता है, इन्वेस्टिगेट करता है। लोकपाल में आपको पता होना चाहिए इसमें 1 चेयरपर्सन होता है और मैक्सिमम 8 मेंबर्स हो सकते हैं, और इन 8 मेंबर्स में से जो 50% जो मेंबर्स होते हैं वो जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, और बचे हुए 50% मेंबर्स या वो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज या वुमेन में से होने चाहिए, ठीक है। जो मेंबर्स होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, किसकी रिकमेंडेशन पे, सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशन पे, जो किसके द्वारा हेड की जाती है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड की जाती है। नेक्स्ट है एनीमिया मुक्त भारत, ठीक है। एनीमिया मुक्त भारत जो स्ट्रेटेजी है 2018 में लॉन्च की गई थी, जिसको ऑब्जेक्टिव किया कि हमारी एनीमिया की प्रेवलेंस को रिड्यूस किया जाए अमंग चिल्ड्रन एडोलसेंट टीनेजर गर्ल्स या फिर जो वुमेन है जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, उनके अंदर जो एनीमिया की जो प्रिवेलेंस है उसको रिड्यूस किया जाए, ठीक है। इसमें क्या है, एनीमिया मुक्त भारत के अंदर हम क्या करते हैं, आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, डिवॉर्मिंग मतलब कि जो कीड़े लग जाते हैं, इस तरह की बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन प्रोग्राम, ये सब चलाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। एनीमिया कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं उनका जो नंबर है वो घट जाते हैं, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है जो हमें चाहिए वो कहीं ना कहीं इनसफिशियंट हो जाती है टू मीट फिजियोलॉजिक नीड्स, ठीक है। जो आप काम करते हो फिजिकली, आप सारे काम करते हो तो आपको हर चीज के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, एनर्जी चाहिए, तो इस तरह से वो जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है जो सेल्स की वो उतनी नहीं रह पाती, ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी इट इज अ मेजर कॉज ऑफ द एनीमिया, ठीक है। नेक्स्ट है कपिला स्कीम, हमने पहले भी पढ़ी है, कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस। इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। इस स्कीम का क्या ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहले हम अवेयरनेस क्रिएट कर सके रिगार्डिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मतलब कि आपके अपने क्या राइट्स हैं उनके बारे में हम आपको अवेयर कर सके, किसमें, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। जो भी आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं आप उसको आप सेव भी कर सकते हो, ताकि कोई और यूज ना कर सकते, जैसे जीआई इंडिकेटर हो गया, आपका पेटेंट हो गया वगैरह, इन सब कॉपीराइट ये सब होता है, ठीक है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, ताकि जो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उनको प्रोटेक्ट कर सके, अपने जो इनोवेशन है उनको आप क्या कर सको, प्रोटेक्ट कर सको, उसमें आपको इनेबल कराया जाएगा इन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम फैकल्टी या तो स्टूडेंट फ्रॉम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। देखो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में क्या, जैसे आप रिसर्च कर रहे हो वहां पे अगर आप कुछ भी इन्वेंशन कर रहे हो तो किस तरह आप अपनी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको आप कैसे क्या कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो, उसके लिए आपको अवेयरनेस प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाएगा ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, किसके लिए, फैकल्टीज के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी, कहां के ऑफ हायर एनर्जी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, ताकि हम क्या कर सके एक वाइब्रेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाइलिंग सिस्टम को डेवलप कर सके, ठीक है। लास्ट न्यूज आज की, सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल कॉपरेशन इन आयुष, आयुष सेक्टर में किस तरह इंटरनेशनल कॉपरेशन प्रमोट कर सकते हो। ये स्कीम किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि हम किस तरह से इंटरनेशनल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड रिकॉग्नाइजेशन कर सके, किसकी, आयुर्वेद, क्योंकि आपको पता है ये सब इंडिया के ओरिजिनेट है, हम चाहते हैं कि इसको इंटरनेशनल हम क्या कर सके, प्रमोट कर सके, किसका, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, सोवा रिगपा और नेचुरोपैथी, किस तरह हम अवेयरनेस प्रमोट कर सके अबाउट आयुष की,
हमारी आयुर्वेदा के क्या स्ट्रेंथ्स हैं, या जो हमारी जो इंडियन मेडिसिनल सिस्टम है उसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या यूटिलिटी है, जो एमर्जिंग जो हेल्थ प्रॉब्लम है उनको किस तरह से हम एड्रेस कर सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सके आयुष अकेडमिक चेयर्स इन फॉरेन कंट्रीज। ठीक है, इस स्कीम के वेरियस कॉम्पोनेंट है जैसे इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्ट्स एंड ऑफिसर्स, ठीक है, इंसेंटिव टू ड्रग मैन्युफैक्चरर्स और एंटरप्रेन्योर्स, मतलब कि जो आयुष मतलब कि आयुर्वेदा से रिलेटेड जो ड्रग मैन्युफैक्चर करते हैं उनको कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे, उनसे रिलेटेड जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको कुछ हम इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे, कुछ फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने अभी क्या किया है, कुछ कंट्री टू कंट्री MOU साइन किया गया ताकि हम कॉपरेशन लगा सके, कॉपरेट कर सके इन द फील्ड ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड द होम्योपैथी। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स 10th फरवरी के कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना, तब तक बाय बाय टाटा।